किससे कह रहा है? मैंने तीनों जने से, मेरा एक सवाल है, एक तो मुस्लिम लीग 1947-48 के बाद में फाउंडेशन में, MIM जो है इसके बाद 1986 में पहलवान खालिद पहलवान साहब ने फाउंडेशन डाला, बाद में आप जो 1958, ठीक है मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको दे दूंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद ही खालिद पहलवान चेयरमैन रहे, उसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी आए हुए हैं। मेरा सवाल ऐसा है कि तीनों SDP है, MIM और मुस्लिम लीग में कुछ तो भी कमतरता है कि इंडियन पॉलिटिक्स को इन्हों समझ नहीं पा रहे, पूरे आवाम को एकजुट बनाने की तीनों जन बात कर रहे हैं, बराबर है, सही बात है, पर इसके अंदर शरीयत के अंदर तुम्हारे को क्या राय दी गई है? एक बनाने है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायरे के अंदर चलना, या तुम्हारे माइंड के हिसाब से चल को तुम्हें आवाम को दोष दे रहे तीनों जने, आवाम एक नहीं हो रही, आवाम एक नहीं हो रही, पर तुम्हारा प्रोग्राम आज तक मुस्लिम लीग का भी प्रोग्राम, SDP का भी प्रोग्राम, MIM का भी प्रोग्राम, ऐसे क्या प्रोग्राम है, ऐसा क्या तुम्हें एक कुछ तो भी एक एजेंडा ले उठे या कुछ चुके ये करने का स्तर, कुछ तो तुम्हारे पास एक कुछ सलाहियत का कुछ तो प्रोग्राम है क्या? प्रोग्राम सलाहियत का प्रोग्राम बोला नहीं, शरीयत के डायरे में सलाहियत का प्रोग्राम बोला नहीं, हर एक ला आ रहा है, इनके अंदर तीनों पढ़ने के अंदर कमजोरी है, तीनों पढ़ने के अंदर कमजोरी है। SDP वाले आते हैं 4 साल नहीं हो रहे थे, कॉर्पोरेशन इलेक्शन बोलते हैं, MIM वाले रहते हैं, इनका वो ग्राउंड वर्क नहीं रहता, हमारे 10 कॉर्पोरेटर बोलते हैं, इन्हों अकबरुद्दीन ओवैसी साहब तो वहाँ हैदराबाद के अंदर 7 से 8वीं सीट MLA नहीं उनकी, वो जाएंगे UP में, हमारे 33% है हमारे वोटिंग, उलमा नहीं करे, हवा हमारे को साथ नहीं दिए, ये सब बातें छोड़ो, हमारे को लोकल में हमारे लोगों को हमें कैसा एक करना, हमारे पास क्या प्रोग्राम है, शरीयत के दायरे के अंदर से प्रोग्राम करे तो हम सक्सेस होते हैं, नहीं तो अपने आप को करे तो कुछ भी नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आवाम तो माशाल्लाह आप तीनों पार्टियों से उम्मीद रखती है कि आने वाले हालातों में आप किस तरह हमारा साथ देंगे, चाहे वो एहतजाज के एतबार से हो या कोई मुसलमान नौजवान बच्चे के ऊपर आफत आती है लड़के के ऊपर, तो आपका रोल भी अच्छा रहे इसमें, आगे बढ़कर चाहे वो पुलिस स्टेशन हो या किसी भी तरीके की बात करना हो, तो आगे अगर बढ़कर बात करने की उम्मीद रखते हैं तो हम तीन पार्टियों से ही रखते हैं कि हम जब भी तकलीफ़ में हो अवाम, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी साथ देंगे इंशाल्लाह, और हमारी उम्मीद ये है कि ये तीनों पार्टियां भी जो है वो साथ देने की कोशिश करें, अगर कम ज़्यादा अगर काम में भी हुआ होगा तो आज से इरादा और अजाइम करो। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अक्सर देखा जाता है कि जब पुलिस स्टेशन का मामला होता है या किसी को अंदर लेकर जाते हैं, तो मैं तो नहीं, ज़्यादातर तो मैं नहीं देखा कि किसी को छुड़ाने आए हैं या किसी को बचाने के लिए आए, तकरीबन वो जो नौजवान होते हैं उन वही लोग जाकर पुलिस स्टेशन में ठहरते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी ठहरे, तो आप ये मामले में क्यों नहीं आते आगे, तो ये मेरा सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। अभी यहाँ पे जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है, अवाम और उलमा के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, जबकि हर एक पार्टी के अंदर उम्मीदवार मुसलमान है, तो मुसलमानों को और अवाम को जबकि ये कहा जा रहा है कि आपस में इत्तेहाद नहीं होते, मुत्तफिक नहीं होते, एक नहीं होते, एक नहीं सोचते बोल के, तो जबकि अलग अलग पार्टी में उम्मीदवार भी मुसलमान है, तो उम्मीदवार मुसलमान होने के नाते से तो क्यों नहीं सभी पार्टी के उम्मीदवार मिल के वो क्यों एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आते और अवाम को क्यों गाइड नहीं करते और अवाम के ऊपर क्यों दोष देते हैं? तो जो भी इलेक्शन कंडक्ट करता है उम्मीदवार मुसलमान है, वो पार्टी से ज़्यादा मुसलमान से ज़्यादा अपने पार्टी के बारे में सोचता है, मुसलमानों के बारे में तो कौन सोच रहा ही नहीं है, बस अपने पार्टी के बारे में सोचते हैं, और एक सिटी में 4-4 कैंडिडेट होने की वजह से हमारी सीट नहीं आती, फिर बाद में मुसलमानों के ऊपर दोष देते हैं, तो ये कैसा है एक होंगे मुसलमान और कहाँ से हमारे ये होंगे? हमारे अंदर जो हमारे पर जो क्योंकि मुस्लिम लीग का वजूद एक ऐसे टाइम में हुआ जब हिंदुस्तान में पूरे तरफ मारपीट मची थी, पूरे तरफ ये, तो वो टाइम में मुस्लिम लीग को वजूद में ला के मुसलमानों की नुमाइंदगी कर दी और जितना कर सकते थे उतना करे, जहाँ पे मुस्लिम लीग को आवाम जो साथ दी, जैसा केरल है, तमिलनाडु है, वहाँ पे मुसलमानों का बाल भी बेकार है। बाकी के जगह पे जहाँ मुसलमानों के मुस्लिम लीग तो सब जगह थी, सब जगह नुमाइंदगी कर रही थी,
लेकिन मुसलमान जो है एक अपने एक खौफ के अंदर जो जी रहा था, वो आवाम उसका साथ नहीं दी, मालूम नहीं आवाम क्या सोच के साथ नहीं दी, और वो कांग्रेस के साथ चले गए। और वो टाइम में क्योंकि वो सन 1947 में दो लीडरशिप उभरे, एक नॉर्थ में जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कांग्रेस के नुमाइंदे थे, और दूसरा जो है मौलाना इस्माइल साहब जो चेन्नई में, अभी जो चेन्नई वो ज़माने का मद्रास, वो ज़माने के अंदर साउथ में मुस्लिम लीग की क़यादत, वो मुस्लिम लीग का झंडा पकड़ के उभरे। तो आज 70-75 साल के बाद में आप देख सकते हैं कि फ़र्क क्या है नॉर्थ के शुमाल के मुसलमानों में और जुनूब के मुसलमान, नॉर्थ के मुसलमानों में और साउथ में, चाहे एजुकेशन हो चाहे इकोनॉमिक्स हो हर चीज़ हो। तो इसके अंदर मुस्लिम लीग, तो इसके अंदर आवाम क्या पाई और आवाम क्या खोई, समझे कि नहीं? तो इसका अल्टीमेटली मुस्लिम लीग अच्छी या बुरी, एम आई एम अच्छी या बुरी, एक चैप्टर हो सकता है, लेकिन आज उसकी कीमत चुकाने वाली आवाम है ना, पूरे आवाम को, पूरे एक ने 20 करोड़ मुसलमान उसकी कीमत चुका रहे हैं, वो चंद एक ने वो 2-4 लाख केरल के और 2-4 लाख तमिलनाडु के मुसलमान को अगर माइनस करेंगे तो पूरे इंडिया के मुसलमान उसकी कीमत चुका रहे हैं। जो गलत नुमाइंदगी का साथ देने का जो कीमत चुकाना है, एक्शन का रिएक्शन है, वो पूरा चुका रहे हैं। दूसरा क्या सवाल था? पार्टी में कमजोरी है या नहीं? ना, हमारे पार्टी में बिल्कुल कुछ भी कमजोरी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी कमजोरी नहीं है, ठीक है। और हमारी जितने शॉर्ट आंसर लेते हैं, यही सवाल आपसे कंटिन्यू। जो मुल्ला साहब ने जो सवाल पूछा कि तीन पार्टियों के अंदर कमजोरियां हैं, और सबसे पहले आप भी जब शुरुआत किए तो आप भी 70 साल से जब मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट देते हैं और आइंदा कांग्रेस को वोट देंगे, आपका ही जुमला जी, अब वापस कैसे ट्रीटमेंट करके देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुसलमानों का जहन कांग्रेस की तरफ पूरा बन ही चुका है, इतने तकलीफ़ होने के बावजूद, इतने हादसे होने के बावजूद, अभी गुलाम नबी आज़ाद नहीं पार्टी सुने हमारी बात को, अब उन्होंने क्यों गए, काहे के लिए गए, हम भी कांग्रेस में थे, क्यों थे, अब कांग्रेस को क्यों छोड़े, ये लंबे चौड़े बहुत से अलग अलग सवाल हैं। मैंने एक बात, तीन पार्टियों का अपना अपना वजूद, कब क़यादत आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह 1958 में MIM का वजूद हुआ, 1942 इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग लगभग 2 साल आगे पीछे, उसके बाद में 14-15 साल जो अभी आज अभी बोले SDPI के वजूद। मेरे बोलने का ये मतलब है, मकसद है मेन, जो खामियाँ हैं मुसलमानों के ऊपर अगर जुल्म 70 साल के अंदर अगर हुआ है, जहाँ तक मेरा 10 साल के पहले का डाटा बता रहा हूँ, कांग्रेस के अंदर 50,000 से ज़्यादा दंगे जो हुए हैं वो कांग्रेस के दौर में हुए, और जितने भी अभी लास्ट 5 साल के पहले भी, जितने भी जो कलकाम की हालत को बोलता हूँ मैं, 5 साल जब पहले कांग्रेस की हुकूमत थी, कांग्रेस का ही MLA था, कांग्रेस का ही डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर था, यहाँ भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ है, 1200 केसेस कम ज़्यादा मैं बोला था, ज़्यादा से ज़्यादा। अब मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म होने के बाद में भी कांग्रेस बहुत अच्छी लगती है, और ये तीनों पार्टियां बुरे लगते हैं, और इनके अंदर की खामियां ढूंढ रहे हैं, एक दिन कभी बैठ के कांग्रेस की भी खामियां ढूंढो। नहीं नहीं, आपकी मेरा बोलने का जवाब से कैसा लग रहा है, आप BJP जैसे नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कुछ भी मामला हुआ तो नेहरू जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आप भी सीधे सीधे कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं, ये किसके पास में ताकत है? अब मामला आया, इन्होंने तो खुला बोल दिया हमारे पास में लड़ने की तो ताकत नहीं है, हम भाई वोट और नोट के ऊपर चलता है, वोट जो चलता है नोट के ऊपर, हमारे पास उसकी कमी नहीं, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम समझाने के वोट डालते वक्त जितना जुल्म हो रहा है, जब नरेंद्र मोदी ने बोला कि जाओ जाने से पहले सिलेंडर को नमस्कार करके जाना फिर वोट डालना, जब सिलेंडर को बता रहे थे तो जुल्म हो रहा था वो देखना फिर वोट डालना, भी मुसलमानों को ईदगाह याद रखना फिर वोट डालना, बेलगाम का अगर इलेक्शन आएगा तो बोलना कि बापट गली की मस्जिद शाही मस्जिद को याद करना फिर वोट डालने जाना, बुरके को याद करना फिर वोट डालने जाना, किसको वोट डालना, जो 900 से ज़्यादा लोग जो मुसलमानों के जो जेल में गए उसको याद करना फिर वोट डालने जाना,
फिर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अभी एक बात बोलता हूँ, हमारे नवी जमादार ने जो बोला कि मुसलमानों के लिए आगे आना पुलिस स्टेशन के लिए, 10 साल के अंदर जो नुमाइंदा कितने बार पुलिस स्टेशन को आया था जरा गिन के आप फिर याद करो। मैं और एक बात बोलता हूँ, नहीं एक मैं पुलिस स्टेशन कुछ नहीं है, वो जो पुलिस स्टेशन गया नहीं 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 हमें उन्होंने अवाम की बात की, बहस नहीं है उनके, अवाम के लिए बोले जब मसले होते हैं। जब राजू आगा ने जब जेल गए थे, कोई अपने घर के तंटे करके भाड़ोतरी साथ और मालक के साथ में तंटे नहीं हुए थे, अवाम के ही तंटे हुए थे, जब ही जाके इन्होंने ठहरे थे और जेल को गए थे। सुनो यहाँ, जेल को डालने वाले भी वही लोग थे आज जो दिन के लिए बात कर रहे हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है कि पुलिस स्टेशन को जाना है तो ही लीडर बनता है, ऐसा नहीं है। जब मुसलमानों के जब मसले आते हैं तो आगे खड़े रहना उनका मामला है। तो मैं बोलता हूँ कि मुसलमानों के मसलों को पुलिस स्टेशन तक पहुँचाने वाले कौन थे, वो पहला देखने होना ज़रूरी है। मुसलमानों को पुलिस स्टेशन के कट्टा चढ़ाने वाले कौन है, वो देखना ज़रूरी है। मुसलमानों के जमातों को पुलिस स्टेशन में मार खा होगा, यही दरबार गली की जमात को। हमारे पठान साहब भी शायद हैं उसके अंदर जो सदर थे, और तुरगल साहब थे, उनका हाथ कट हुआ गया था पुलिस स्टेशन के जाकर ठहरने के बाद में लाठी चार्ज हुई थी। वो सब हमारे लोग बिसरे जब जाके 61,000 वोट कितने, उसके बावजूद भी 61,000 वोट गिरे हैं। यही है हमारे मुसलमानों की कमी। मेरा बोलने का मतलब ये है कि कियादत में कमी है, अल्हम्दुलिल्लाह कियादत में कमी है, तो वोट डालने वाले तो होशियार हैं। फिर कांग्रेस के अंदर कितनी खूबियाँ हैं वो तो बताओ, जो आज कांग्रेस के लिए एक जुमला मैं बोलता हूँ जो लोग दिमाग में रख ले हुए, हमने अगर एक दो लोगों को चुन को भेजने से कुछ नहीं होता, मेजॉरिटी में अगर चुन के भेजेंगे तो सत्य के अंदर कुछ कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सत्य के अंदर ज़्यादा मेहनत करके भेज दे, बोले हमारे आगा साहब ने जो एक मुसलमानों का एक ऐसा मुहिम चलाया कि कांग्रेस को ही वोट देना, दिए कांग्रेस को वोट। फिर बाद में 17 लोगों ने कहाँ पर जाके बैठे और कौन सी सत्ता बनाए, कौन सी पार्टी के थे वो कांग्रेस के 17 लोग, जो आज जो बाबरी मस्जिद का तो होने के बावजूद भी अब ईदगों पे आया है, उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। 17 लोगों को जाने के बाद में ही सत्य में आई है, तो कौन से 17 लोग थे आज वापस चुन के आए, वही 17 लोग पैसों के जोर के पर वही 17 लोग चुन के आए वापस। आपके पार्टी छोड़कर गए तो गए ना, आपके पार्टी हाँ गए ना, गए यूपी इसके अंदर, बिहार में गए सत्ता बनाने के लिए गए बीजेपी के खिलाफ, ठीक है यहाँ बीजेपी बनाने के लिए गए, बाकी बीजेपी के खिलाफ गए। खान साहब वक्त नहीं, स्किप करते हैं क्वेश्चन, आप लास्ट में इसका जवाब देंगे। आपके अंदर पार्टी में कहीं कमजोरी है या फिर आने वाले दिनों में आप इम्प्रूवमेंट, जैसे मुल्ला साहब ने बताया कि हमें सियासत नहीं मालूम, चलो मुल्ला साहब की बात को हम सही पकड़ के ही चलते हैं, आपको सियासत मालूम तो आके गाइड कीजिए ना। अगर आपके गाइड करने से आप ही की पार्टी को कुछ फ़ायदा होता है, आपकी पार्टी आपके लोग आगे बढ़ते हैं, तो आप जैसे लोग सामने आना चाहिए। आप घर पे बैठ के हम गलत है हम सही है बोलेंगे तो नहीं, मेरे बात आपका सवाल हम सुने, हम क्वेश्चन नहीं किए, प्लीज़ आप भी क्वेश्चन मत कीजिए, जो हमें लग रहा है हम बता रहे हैं आपको। आप सामने आइए हमें बताइए आप इस चीज़ में गलत है, यहाँ पे ऐसे कीजिए। आप बेलगाम को अच्छे से जानते हैं, बेलगाम में इस चीज़ की कमी है। आप नेशनल लेवल पर मत देखिए, स्टेट लेवल पर मत देखिए, मेरे गली की तरफ देखिए, चांदू गली ऐसी है, खड्डा हमारा ऐसा है, इस लेवल से आप काम कीजिए, आप हमें गाइड कीजिए। इंशाल्लाह आगे चलकर क्या है, हम उसको उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से आप बताएंगे, जिस तरीके से आप हमें गाइड करेंगे उस तरीके से क्या हम आगे जाके कामयाब होंगे। उस कामयाबी में आपका हिस्सा रहेगा, उस एरिया से एक कॉर्पोरेटर एक MLA चुन के आएगा तो उसका आपको अजर मिलेगा आखिरत में, वो जो भी काम करेगा। तो वो सोच कर तो कम से कम आइए, दुनिया का तो छोड़िए। ठीक है, जैसे कि हमारे पापा भाई ने सवाल किया, एक मिनट बोला प्लीज़, थोड़ा वक्त बहुत कम है। जैसे हमारे पापा भाई का सवाल था आपके कि पार्टी अपनी पार्टी को लेकर फिक्रमंद है, पार्टियां मुसलमानों को लेकर मुसलमानों के मसाइल को लेकर फिक्रमंद नहीं, ये आपके सवाल मुख्तसर जैसे जैसे पापा साहब ने कहा कि हम अपने पार्टी को लेकर फिक्रमंद है, तो हमारे जो UAPA में जाके जो लोग बैठे हैं केसेस में सिर्फ एक धरना देने के ऊपर या फिर एक बात कम्युनिटी के ऊपर, और ऐसे तो केसेस हमारे पास ज़्यादा है जो दलितों के लिए लड़े हैं, अदर कम्युनिटीज़ के लिए लड़ के हम जाके क्या है UAPA डालने के जेलों में बैठे हैं। तो हमारा मकसद पार्टी का नाम ऊंचा करना नहीं है, हमारा मकसद संविधान के दायरे में रहते हुए बाबा साहब अंबेडकर साहब का संविधान को बचाकर
उसे क्या है, हमें पॉलिटिकल रोल निभाते हुए, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स को करते हुए, हमें जमहूरियत के हिसाब से चलकर काम करने के लिए हम बहुत ज़्यादा क्या है, इंटरेस्टेड है। हम पार्टी के लिए नहीं करते, पार्टी आज है कल नहीं है, मगर इंसानियत जो है वो आखिर तक रहेगी। वही पापा भाई का एक समय था कि पार्टी को लेकर फिक्रमंद ज़्यादा है, पार्टी को लेकर आप फिक्रमंद है, मुसलमानों को लेकर नहीं है, ये सवाल है उनका, शॉर्ट में जवाब दे। उन्होंने मुसलमानों के लिए एक बात, उसके अलावा भी और एक सवाल पूछा जी, नहीं उसके अलावा भी एक सवाल पूछा, आपने सुना था। हाँ, क्या सवाल पूछा मालूम है कि तुम्हारे अपने अपने जगह में काम किए, पार्टी को तुम सामने रखते, मुसलमानों के लिए कोई सामने ना रखते हुए तुम तीन तीन चार चार अगर नुमाइंदे बटाते रहे और आपस में लड़ते रहे तो जीत के नहीं आएंगे, ये उनका सवाल। तो मैं सिर्फ मुसलमानों ने इलेक्शन को बैठे तो ही हम आपस में लड़ रहे हैं, जब कांग्रेस बैठती है, बीजेपी बैठती है, जनता दल बढ़ती है, शिवसेना बढ़ती है, समझो समिति बढ़ती है, बेलगाम की हालत को लेके सब लोग बैठते हैं, वो भी अपने अपने हिसाब में बैठते हैं, मतलब एक ही कम्युनिटी को बिलोंग्स करते हैं, अदर देन मुस्लिम्स। कोई इसको हिंदू का शब्द नहीं दूंगा कि हिंदू धर्म ही नहीं है तो मैं हिंदू का शब्द क्यों लूँ, तो अदर देन मुस्लिम्स सब एक है, फिर भी इतने लोगों में अलग अलग पार्टियों से बैठते हैं। फिर अगर हम तीन लोग बैठे हैं तो तीन लोगों में अच्छा नुमाइंदा कौन है, उसको वोट दो ना। अगर तीन लोग हम भी बैठते हैं, जब वो आठ नौ लोग जब बैठते हैं तो एक ही नुमाइंदे को चुनते हैं। कितने लोग बैठे थे, नौ लोग लास्ट टाइम, टक्कर के दो लोग थे बीजेपी एंड कांग्रेस, 80,000 कमी पेश 61,000। आप ही तीन लोग फैसला करके एक आदमी को खड़ा करो, एक मिनट, यही फैसला अवाम करती है, एक मिनट, फैसला अवाम करती है, किसको वोट देना फैसला अवाम करती है, फैसला अवाम करती है वोट किसको देना। जब तीनों अपने अपनी पार्टियों की फसीलतें सामने रखेंगे तो आवाम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे क्यों कंफ्यूज होती है, जब इतने लोग बैठने के बाद काम करने के बाद में भी जब कांग्रेस को ही वोट देना बल्कि जब जिताते हैं। मसला क्या होता है कि जब वहाँ पर दीगर पार्टियाँ बैठ रही हैं, बीजेपी है, जनता दल है, कांग्रेस है, उनके बीच में टकराव होता है तो वो अलग मसला है कि उसमें एक चुनने के लिए एक ऑप्शन होता है कांग्रेस। तीन मुस्लिम पार्टियां जब मैदान में उतरती हैं तो इन तीनों को नजरअंदाज कर देते हैं, इस बात को मानना पड़ेगा आपको, इन तीनों को नजरअंदाज करके इसीलिए तीनों में कंफ्यूजन। इसीलिए तुमने जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसका मैं एक ही जवाब देना चाहता हूं कि हमारे मुसलमानों के जितने भी नुमाइंदगी करने वाले, सिर्फ पॉलिटिकली बोल के नहीं है, दूसरे भी तरीके से सोशल फील्ड में करने वाले हैं, दीन के तरफ से भी करने वाले लोग हैं, उनको इदारे हैं, उलमाए कराम हैं, बहुत से अलग अलग हिसाब से, उनको पॉलिटिकल अवेयरनेस, पॉलिटिकल स्टडी होना बहुत ज़रूरी है, पॉलिटिकल स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। किसी को अब मैं आपको बोलूँगा तो जानबूझकर दो दो चार चार बेटा हैं लेकिन अंदर से एक ही ओर देंगे दिशा भूल करने के लिए, उनके पास वो स्ट्रेटर्जी बनती है, हमारे पास में स्ट्रेटर्जी नहीं है ना, हमारे पास में दूरंदेशी का प्रोग्राम ही नहीं है, हम खाली आपस में तीन तीन लोग चार लोग यही हिसाब में बैठे हुए हैं, हम तीन लोग को भी बिठाते हैं तो बाबा एक को जिताने की तो नुमाइंदे स्ट्रेटर्जी बनाओ, काबिलियत को ढूंढो। तो कौम लीडर जब आप तीनों पार्टियों में से नहीं मानते तो कौम के तस्वूर में किस तरह का लीडर है, आपका अंदाजा भी होगा। हाँ, आप अगर बोलेंगे तो लीडर की फिर इसमें खानदान ये होना चाहिए, उसकी एजुकेशन ये होना चाहिए, उसका फैमिली बैकग्राउंड के अंदर इनकम टैक्स इतना पेयर होना चाहिए, इसके गाड़ी घोड़े बंगले इतने होना चाहिए, अगर ये तुम अगर उसके बैकग्राउंड अगर देखते रहेंगे तो मुसलमानों में कितने लोग मिलेंगे आपको। अरे मुसलमानों के अंदर ये सलाहियत ढूंढो जो कौम और मिल्लत की और दुनिया और आखिरत का ख्याल रखते हुए अगर कोई काम करना चाहता होगा तो उसके लिए आगे बढ़ो। ठीक है, तीनों का बहुत एक मिनट तुम्हें जो सवाल करे थे इसमें पहली बात तो कर्नाटक के अंदर इनका सवाल ही गलत है, कहाँ भी पूरे कर्नाटक में सवाल टोटल एब्सोल्युटली रॉन्ग गलत, कहाँ भी कर्नाटक के अंदर एमआईएम मुस्लिम लीग एसडीपी आपस में कहाँ भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करे, कहाँ भी उनका टकराव नहीं हुआ, जो एक से तीन नुमाइंदे बैठने का वो सवाल है। पूरे कर्नाटक के अंदर या पूरे 58 सीट के अंदर एक सीट को हारेंगे, एक सीट को हारेंगे, लेकिन उसके वो भी कॉर्पोरेशन इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन में तो नहीं छोड़ समझे कह रहे हैं, ये कॉर्पोरेशन इलेक्शन और इसका ये सवाल ही नहीं, यहाँ सवाल कहाँ आता है कि कांग्रेस और जनता दल के जो मुसलमान हैं
इन्हों जो आपस में लड़ते हैं, जब इन्हों आपस में लड़ते हैं तब एक नहीं ये करता, और इसका फैसला जो है अभी एक जब 2008 की बात बताता हूँ मैं, एक मुत्तहिदा महाजन बन के ही थी, और 2007 में एक बात बताता हूँ, 2007 में जब एक नए SDPI के नाम से बेलगाम के अंदर पार्टी चली, मैं मुस्लिम लीग का रहते हस्ते, मैं मुस्लिम लीग का काम करते हस्ते, जब SDPI आई तो मैं बहुत खुश हुआ कि मुसलमान जो है पूरे आवाम, हम हर आदमी हो, बूढ़ा हो, जवान हो, पढ़ा लिखा हो, जो भी हो, उलमाए दीन यहाँ तक के, उनके पास जब भी हम जाते थे कि उनका तुम्हारा नाम मुस्लिम है, वो मुस्लिम वर्ड नहीं है, हम सेक्युलर है, ये है, जब SDPI जहाँ पे उसमें नाम में मुसलमान ही नहीं है तो वहाँ पे कम से कम जाएंगे, तो आज भी हम देखते हैं वहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इसका कुछ मतलब ही नहीं हुआ सवाल का। और 2008 के इलेक्शन के अंदर बेलगाम में मुत्तहिदा महासही और बैतुलजोहरा हॉल के अंदर उनका एक प्रोग्राम हुआ, पहली बार वो कर्नाटका मुत्तहिदा महाज के नाम से बन के आई थी, तो उनको मैं एक ही सवाल कर रहा है कि ये तुम्हारा ये जो एजेंडा है कौन से पॉलिटिकल पार्टी में, क्योंकि मुस्लिम लीग के तो तुम दुश्मन हो, कौन से पॉलिटिकल पार्टी में ये तुम्हारा एजेंडा डाले, ये जो तुम्हारा मुसलमानों की जो क़यादत करने का जो तुम्हारा फॉर्मूला है, ये कौन से पार्टी के एक ने मैनिफेस्टो में ये तुम्हारा एजेंडा डाले हैं, हाँ कांग्रेस है, बीजेपी नहीं है, तो मैं बोला ऐसा कैसा होने वाला, तो 5 कांग्रेस की चुन के आए, 5 अच्छे तुम्हारे हिसाब से जिसे अच्छे कहते हैं, 5 जनता दल के चुन के आए, 5 दिगर चुन के आए, तो असेंबली में जाने के बाद में मुसलमानों की नुमाइंदगी होती है, हमारे ऊपर जो तलवार लटकती है वो हमेशा ऐसा ही लटकने लगा, तो उसका जवाब क्या है, ब्रेक के बात करके बोल के गए। अभी 2018 में जब आए थे, 2018 में अंजुमन हॉल में आए थे, वो टाइम में भी हम सवाल करें कि यहाँ पे जितना दंगे हो रहे थे, तो मैं बोला है कि नहीं, यहाँ बेलगाम के अंदर एक सेंसिटिव शहर है, यहाँ पे बहुत सारे दंगे होते हैं और मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं होती, वो पुलिस स्टेशन में जो है मुसलमान को कोई जाता नहीं, और जब भी MLA की जब हम बात करते हैं तो MLA कभी भी बेंगलुरु गया रहता है, किधर उधर बेंगलुरु मुसलमान को पुलिस स्टेशन से छुड़ाने के लिए MLA नहीं आता, तो मुझे आपका नंबर दो, आप जो आवाम के जो वोट बन के, आप जो दलाल बन के आए हैं, वोटों के दलाल बन के आए हैं, आपका नंबर दो, कल को हमारे इधर क्या भी हादसा हुआ तो मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगा, तो तब भी उसका भी जवाब ब्रेक के बाद हुआ, वो ब्रेक आज तक नहीं। जल्दी बोलो बाबा, पूछो। राजू भाई एक बात बोले कि इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर मुस्लिम्स एट प्रेजेंट, तो सब बैठ के दूसरा अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या होगा मुसलमानों के लिए? इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इंडिया, तो तीसरे 3 पिलर्स को हम यूटिलाइज करके कुछ सोल्यूशन काट सकते क्या? आज के तारीख जो जिसके ऊपर भरोसा रख के आज तक मुसलमानों ने जो कायम ठहरे थे, आज वो भी EVM के तरफ से हाईजैक हो चुका है, जितनी भी मेहनत कर लो फिर वो 11th ओवर में कहाँ क्या होगा करने का, एक मिसाल UP का है, अब उसके ऊपर भी कोई भरोसा नहीं रह चुका है। लास्ट मैंने वोट डाला था इतना तुम अपने आप को बोल सकते हैं, लेकिन लोड गया था कहाँ वो मशीन ही बताएगी। रही बात आप जो बोल रहे हैं ना, वही सवाल का एक ही जवाब आएगा कि हमने मुत्तहिद होना बहुत जरूरी है। वो शरीयत के अकेडमी में बोले ना, शरीयत के हिसाब से चलना चाहिए क्या, हमको भारत के संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, हम भारत के रहवासी हैं, भारत के हमारे हम भारतीय हैं, नॉट ए रहवासी, हम भारतीय हैं, हम भारत के संविधान के ऊपर ही चलना चाहिए। एक जो भी सियासी पहलू को लेकर एक मुसलमान के दायरे के हिसाब से हमको शरीयत के अंदर भी चलना चाहिए, एक मुसलमान के हिसाब से हमारा बुनियादी हुकूक शरीयत है, सियासती पहलू के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज तमाम सियासी पार्टियों के लेकर खासकर जो मुस्लिम सियासी पार्टियाँ हैं उन्हें बुलाकर उनके कायदीन से सवाल जवाब किए गए, उन्होंने बेबाकी के साथ तमाम सवालों का जवाब दिया। इसी तरह से हम आगे भी प्रोग्राम चलाते रहेंगे मुसलमानों के जिम्मेदारान से, उलमाए कराम से, सियासी लीडरों के से, दीनी रहनुमाओं से, और उम्मत के जो बर्निंग दहकते मौजू हैं उन पर हम सवाल जवाब करते हैं। इत्तेहाद और यह सिंधिया देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।